तो मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को पहले ही बता दूं कि ये जो मूवी है खचाखच सीनों से भरी हुई है, जिसे देखकर आपको मजा आने वाला है। तो ये देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, एंड अगर आप लोग नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोगों को एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक घर है जिसमें एक मार्था नाम की लड़की रह रही है। हमें पता पड़ता है कि वो एक वर्जिन लड़की है और अपनी भैंसों को वो अब चराने जा रही थी, जहाँ पर चराते चराते उसे एक आदमी दिखता है जो कि वहाँ पर पेंटिंग कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि वो आदमी धीरे धीरे मार्था के पास आता, उसे छूने लगता है और हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में घचाघच होने लगता है और ये लोग धीरे धीरे जंगल में ही मंगल कर देते हैं। अब पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था की जो रात है वो रंगीन हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मार्था थी, ऐसा करने के बाद उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे, क्योंकि वो एक वर्जिन थी और उसने पहली बार ये सब करा था, तो उसे ये सब बहुत ही अच्छा लगने लगा था। उसकी जो पूरी लाइफ थी वो सभी चेंज हो गई थी और ये चेंजेस उसकी मम्मी को उसमें दिख रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी प्यारी लाडली बाहर क्या करके आई है। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग रोज जंगल में मिला करते थे और घचाघच किया करते थे। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मार्था थी वो यहाँ पर उस अजनबी आदमी के साथ बैठती है और उसे बताती है कि मुझे जब मैंने वो आप तुम्हारे साथ करा था घचाघच, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा था और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, क्या हमें दोबारा करना चाहिए? तो वो आदमी उसे मना करता है, पर हम लोग देखते हैं कि मना करते करते भी ये दोनों फिर से एक और बार धक्का पेल कर लेते हैं, उसी जंगल में मंगल कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक दिन डिनर कर रहे होते हैं ओपन एरिया में, तो हम लोग देखते हैं ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो अजनबी आदमी यहाँ पर मार्था से कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए बुक्स भी दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि ग्रूमिंग कैसे होती है एक लड़की की, और तुम्हें मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी दूंगा। और हम देखते हैं कि वो आदमी उस लड़की को अच्छे अच्छे कपड़े भी देता है, उसकी लाइफ को बहुत ही अच्छा कर लेता है। अब एक दिन हम लोग देखते हैं ये लोग एक ओपन एरिया में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर वो अजनबी आदमी मार्था को एक बुक भी देता है जिसमें कुछ रोमांटिक कहानियाँ लिखी हुई थी। वो सोचता था कि इस कहानी से जो मार्था वो एक्टिवेट हो जाएगी और फिर से उसके साथ घचाघच करेगी। अब ये लोग करने ही वाले होते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चे आ जाते हैं गाँव के, जो कि इनको छिपे देख लेते हैं, पर वो अजनबी आदमी कहाँ मानने वाला था, वो यहाँ पर मार्था के साथ फिर से घचाघच कर लेता है। अब हम लोग देखते हैं मार्था घर पर जाते हैं उस बुक को लेकर, जहाँ पर उस बुक को पढ़ते हुए उसकी मॉम उसे देख लेती है और वो कहती है कि ये सब क्या है। तो उसकी मॉम कहती है कि सब क्या है, तो यहाँ पर मार्था कहती है कि ये एक बुक है जहाँ पर मैं कुछ पढ़ने वाली हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि जो मार्था की मॉम थी वो उसे बताती है कि छोटे छोटे बच्चों ने, गांव के छोटे बच्चों ने तुम्हें जंगल में एक अजनबी आदमी के साथ घपाघप करते हुए देखा है और मुझे पता है ये बुक भी उसी आदमी ने तुम्हें दी है। अब मार्था की मॉम के जो शक थे वो उन्हें सही लगने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता पड़ने लगा था कि मेरी बेटी के, यानी कि मेरी प्यारी बेटी के बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसके पहली बार घचाघच उसने यानी कि कर लिया है। मार्था की मॉम उसे कहती है कि अगर तुम अपना छोटा सा लल्ला अपने पेट में लेकर मेरे घर में आई तो मैं तुम्हें घर में भी नहीं घुसने दूंगी। तो हम देखते हैं कि मार्था के मम्मी उसे कहते हैं कि अगले दिन हम लोग चर्च जाएंगे और तुम्हें कन्फेस करना होगा फादर के सामने, और ऐसा ही होता है। अगले दिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं मार्था को जो कि चर्च में जाते हैं और फादर के सामने अपने सारे कन्फेशन करते हैं कि मैंने एक आदमी के साथ घचाघच किया है जंगलों में। तो ये बात फादर यहाँ पर मार्था की मॉम को भी बताते हैं। मार्था की मॉम ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। फादर उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, तुम्हें लगता है कि उसे अब शादी करवा देनी चाहिए। तो मार्था की मॉम भी इस चीज़ के बारे में सोचती हैं, पर लेकिन फादर यहाँ पर उसकी मॉम से भी ये भी कहते हैं कि तुम्हें पहले अपनी बेटी का चेकअप करवा देना चाहिए कि उसने ये सब करा है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो तो ये कहता है कि भाई तुम्हारी जो बेटी है वो बिल्कुल वर्जिन है, उसने अभी तक ये सब कुछ भी नहीं करा। तो हम देखते हैं ये सारी बातें सुनकर उसकी मॉम भी और वो लड़की भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था यार मैंने तो करा है, अब ये डॉक्टर मुझे वर्जिन क्यों बता रहा है। अब इन दोनों माँ बेटी के जुबानों पर ताला लग गया था, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि भाई ये क्या हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक दिन जो मार्था थी वो अपने रूम में सो रही होती है, तभी यहाँ पर वो अजनबी आदमी आता है और मार्था के फोरहेड पे किस करता है, जिसे देखकर मार्था जो होती है वो जग जाती है। उसे बहुत ही अच्छा फील होता है जब वो आदमी उसके साथ होता था। हम लोग अब देखते हैं कि मार्था उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो वो आदमी भी ये बात कन्फेस करता है, तो जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वो कोई आदमी नहीं है, मार्था का सिर्फ वो एक इमेजिनेशन है, क्योंकि उसने पहले कभी भी ये सब नहीं करा था, तो ये सब सिर्फ उसके लिए इमेजिनेशन थी। वो रात में अपनी उंगलियों से ही अपने आप को प्लेजर देती थी। तो आप लोग समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक मार देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।